आकाश इसी वक्त मोनिया के पास जाओ। क्यों, क्या हुआ? मुरारी चाचा उसे यहाँ से ले जा रहे हैं, उन्होंने उसे घर में भी बंद कर दिया है। वो बाहर जा रहे हैं टिकटों का इंतजाम करने के लिए। प्लीज आकाश कुछ करो। मैं देखता हूँ। मोनिया, मोनिया, मैं आकाश। खिड़की खोलो मोनिया। मोनिया, सब खत्म हो गया आकाश, सब खत्म हो गया। नहीं मोनिया, ऐसे नहीं कहते। मोनिया, मोनिया प्लीज मत रो। देखो मैं आ गया हूं ना। आकाश, अब मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, अपने भाग्य से नहीं भाग सकती। शायद मैंने इस शहर में जरूरत से ज्यादा ही सपने देख लिए और अब उसी की सजा मिल रही है। बाबा मुझे फिर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। एक और बार सब कुछ खो दूंगी, सब कुछ, मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे दोस्त और तुम्हें भी। नहीं मोनिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। और इस बार अगर तुम कहीं गई भी तो पहले की तरह नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगी वापस लौट के यहीं आओगी मेरे पास। क्योंकि मैं तुमसे तुमसे मैं मोनिया, ये क्या हो रहा है? जाओ यहां से, तुम्हारी इन बचकानी हरकतों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। जितनी जल्दी ये बात समझ लो उतना अच्छा है। मैं मोनिया को यहां से लेके जा रहा हूं, अब तुम कभी मिल नहीं पाओगे उससे। बाबा, जिद बात कर मोनिया, तुझे पता है ना हम लोग मुसाफिर हैं, तो पहली बार शहर छोड़ के जा रहे हैं। तुझे मैंने कहा था वो इतने गहरे रिश्ते मत बना कि छूटते वक्त तकलीफ हो। आकाश, तुम हमें अकेला छोड़ने की मेहरबानी करोगे? चल बेटा, सुबह की पहली बस से देर हो जाएगी, हमें अभी निकलना पड़ेगा। ये ले। बाबा मेरी बात तो सुनिए, चल समझने की कोशिश कीजिए। चप्पल पहन। बाबा ऐसा मत कीजिए ना, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार। एक आप ही तो जो दुनिया में मुझे सबसे अच्छे से पहचानते हैं, तो फिर आप देख नहीं सकते कि मुझे यहाँ से जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। आप ही तो कहते हैं कि मेरी खुशी में ही आपकी खुशी, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बाबा इस बार मत ले जाइए, इसी शहर से मेरी सारी तकदीर, सारी खुशियाँ जुड़ी हुई है। प्लीज मुझे मत ले जाइए, मुझे शहर की बहुत जरूरत है बाबा। मुझसे भी ज्यादा? मेरा वो मतलब नहीं है बाबा। देख बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है
मैं तेरे और तेरी किस्मत के बीच में खड़ा हूँ, तुझे तेरी खुशियों से दूर रख रहा हूँ, तो ठीक है रह यही, लेकिन अपने बाबा के बिना। आपके बिना? ये अब क्या कह रहे हैं बाबा? देखो निया, इस शहर में आके मैं नहीं बदला, तू बदली है। मैं तो हमेशा की तरह शहर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अगर तू यहां से नहीं जाना चाहती तो यहीं रह। तुझे मेरे और इस लड़के के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं आपको नहीं आकाश को चुनूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? आप चाहे ये शहर छोड़ के कहीं भी जाए, मैं जाना चाहूँ भी या नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे माफ कर दो आकाश, मुझे अपने बाबा के साथ जाना ही होगा। अगर मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं तो। चल मुनिया, देर हो रही है। तुमने मेरे लिए जो भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी, शहर को कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगी। और नहीं तो बोले, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाने का वक्त हो गया। मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा खाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, खाम खाबे वजह खाब बुनता रहा। ये बस नासिक जाने वाली है क्या? मुझे कुछ पता नहीं, ये बस कहाँ जाने वाली है? पता नहीं, हमारी बस कब आएगी? भाई साहब, कौन सी बस नासिक जाएगी? Thank you.
चली गई मोनिया, तुमने उसे रोका नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों हुआ ये सब आकाश? मुरारी चाचा ऐसे अचानक से मुनिया को लेकर क्यों चले गए? मुरारी नाम है इसका, एक बेटी भी है, देखा इसे? जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं रहता यहाँ। तुमने? ये लोग मुरारी चाचा और मुनिया को क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरूर मुनिया किसी खतरे में, इसलिए उसके बाबा उसे यहाँ से ले गए। अगर ये लोग मुरारी चाचा और मुनिया तक पहुंच गए तो? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। मैं भी जाके उनको इनके बारे में आगाह कर देता हूँ। शायद इस वक्त मुरारी चाचा और मुनिया को मेरे सहारे की जरूरत है, ना कि मेरे सवालों। आप सब सालों से जयगढ़ रियासत का साथ निभा रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस महासभा में हम एक बहुत अहम घोषणा करना चाहते हैं। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि 16 साल पहले देवगढ़ और जयगढ़ परिवारों पर क्या बीती थी। आज इतने सालों बाद हम उस पुराने गम को बुलाकर एक नई खुशी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटे उदयवीर की शादी देवगढ़ की महारानी मृणालिनी देवी की पोती और महाराज पृथ्वीराज की बेटी राजकुमारी जयनंदिनी के साथ कराकर। महाराज, हालांकि आप दोनों परिवारों के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में उठ रहा है, राजमाता की वसीयत का। वसीयत तो राजकुमारी मान्यता के नाम पर है ना? अगर वसीयत बदली ही जा रही है तो क्या यह ठीक नहीं होगा कि यह जायदाद घर के बड़े बेटे यानी हमारे बेटे युवराज विजेंद्र सिंह के नाम की जाए? मेरी महासभा से दरख्वास्त है कि इस बात पर जरा गौर किया जाए। हमें आज भी उम्मीद है कि हमारी मान्यता एक न एक दिन जरूर लौट के आएगी। पर यह हमारा निजी मामला है और शायद रियासत के फैसलों से इसे अब दूर रखने का वक्त आ गया है। कल जयनंदिनी और उदयवीर का रुका है, हमें विश्वास है कि आप सब कल वहां आएंगे, दोनों बच्चों को आशीर्वाद और दोनों परिवारों को पूरा सहयोग देंगे। मठरी दे दे, मठरी दे।
ये ले बेटा, क्या किया मटरी का, भूख लग गई होगी ना। मैं जरा बस का पता करके आता हूँ, इतनी देर क्यों हो रही है। डीसीपी साहब, सीधी सी बात है, वो जरूर शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। आप मुंबई के हर नाके, हर टोल, हर रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर अपने आदमी भिजवाइए, और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर ये बात आपके और मेरे बीच में रहे तो बेहतर होगा, राजमाता को अभी इसमें शामिल करना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? से क्या छुपा रहे हैं? नहीं, मैं वो डीसीपी साहब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहा था। आज यहाँ इतने सारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो आएंगे, चूक ना हो जाए। आप है ना डॉक्टर साहब, आप सब संभाल लेंगे। हाँ, संभाल तो हम लेंगे राजमाता, पर इन सब मामलों में टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है। अरे बेटा, बस आ गई, चल चल चलने की तैयारी। कितना पैसा हो गया? 10 रुपये। चलो आजा आजा, 4 रख दिए, बाद में मिलेंगे। चलिए चलिए, आइए, चलो चलिए, आपका लगेज पीछे पीछे, लगेज पीछे, चलिए अंदर, चलिए चलिए, तू अंदर जा, मैं सामान चढ़ा के आ रहा हूँ। सिंगना 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 सिंगना। चारों तरफ क्यों इतनी नाकाबंदी लगी है? मेरे ख्याल से इसी वजह से बस बंद है। मैं कुछ तो भी गड़बड़ है। बैठ गए बेटी, अभी बस चलने वाली है थोड़ी देर में, मैं आ रहा हूं उधर से। तुम यहाँ आना ही पड़ा, कुछ लोग आपके बारे में चौल में पूछताछ कर रहे थे। तो तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? ताकि तुम्हारा पीछा करते वो लोग यहाँ तक आ जाएं? आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आना चाहते, आप मुझे खुल के क्यों नहीं बताते? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो लोग सही नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उनका साया भी पड़े मेरी मुनिया पे, इसलिए मुनिया को लेकर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो लोग हैं कौन और क्यों पड़े आप लोगों के पीछे? अरे ये सब बताने का वक्त नहीं है, फौरन यहाँ से निकलना होगा। क्या खोल दीजिए, आप नींबू पानी ले आइए। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉम, इतनी सुबह आपको जगाने आए हैं, आप भूल गई आज आपका रोका है, आपको तैयार होना है ना, सबसे खूबसूरत लगना है कि नहीं है? तो चलिए जल्दी से उठ जाइए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज हमारा रोका होने जा रहा है, वो भी उदय के साथ।
चलिए जल्दी से उठिए और ये नींबू पानी पी लीजिए। मॉम क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? हम आपके लिए बहुत खुश हैं जय। चलिए अब जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए। हाय जी। हाय जी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। जी उदय का आजकल भिजवा दिया गया है और वो एकदम तेरी ड्रेस को मैच करता है। आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे ना? हाँ आंटी, बहुत भूख लग रही है। अभी तैयार कर देती, गेट रेडी फास्ट। ओके मम्मा। आइए। ये हफ्ता कितना बेसिक जाने वाला है ना। अमित सबका अटेंशन फाइनली सिर्फ हम पर। टोटली बेब्स, वैसे भी अब तो तुम जयगढ़ की होने वाली महारानी हो। तुम्हें पता है सारे मैगजीन्स वाले सिर्फ तुम्हारे उदय की स्टोरी कवर करना चाहते हैं। आई नो, ऐसा लगता है जैसे प्रिंस विलियम की शादी के बाद सीधी तुम्हारे उदय की शादी हो रही है। एक बात बता, कल उदय ने तुझे सोने से पहले गुड नाइट किस किया क्या? किसको छोड़, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने तुझे आई लव यू तो बोला ना? नहीं बोला तो क्या हुआ? आई लव यू के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे कि उससे हमसे कहा कि हम एक बहुत अच्छी महारानी बन सकते। अच्छा चल अब हट, हमें जाने दे। दादा और ये रख दीजिए। थैंक्स। हैव ए नाइस डे मैम। थैंक यू। वेलकम। पता है दादा, जय चाहती है कि आप दोनों की हर चीज ना मैचिंग हो। कैन यू इमेजिन, उन्होंने हर चीज का कलर, कफलिंग्स क्या कैसे होगा सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखा है। ओह गॉड। दादा I'm talking to you, what's wrong? दादा, अगर आपको इस रिश्ते पे कोई भी डाउट है ना तो हम अब भी डैड से बात कर सकते हैं, बिलीव मी। उन्नति, निशान कितने टाइम पर रहता है? What? जब चोट लगती है तो घाव आता है, उसका निशान कितने टाइम पर रहता है? What's wrong with you, दादा? आप भी कैसी बहकी और philosophical type की बातें कर रहे हैं? One sec. कहीं आप सुबह से ही शुरू तो नहीं हो गए? हम serious होने थे। पता नहीं हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेल रहा है। हमें ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो शायद है ही नहीं। दादा कहीं आप अनजाने में ही इस रिश्ते से बाहर निकलने के बहाने तो नहीं ढूंढ रहे? अरे नहीं उन्नति, उल्टा हम तो चाहते हैं कि ये ड्रामा जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। खैर छोड़ो, दिखाओ क्या दिखा रही थी तुम। ओ या, ये देखिए, मैचिंग। गॉड, मैचिंग कपड़े। तुम्हें पता है हमारे लंदन के सारे फ्रेंड्स इस दिन के फोटो से जिंदगी भर हमें ब्लैकमेल करने वाले हैं। ओह नो दादा। शुक्रिया नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है। अगर इसी तरह आपकी दुआएं साथ रही तो आप दुनिया देखेंगे कि हम अपनी बेटी घरों का कितने धूमधाम से। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सारी तैयारियां होंगी? जी, जे का लहंगा भी सुबह ही आ गया था। हाँ, और आप क्या? हम पहन लेंगे कुछ। वाह,
बेटी की शादी पर आपका आपका जोश देखकर दिल खुश हो गया। हमारा वो मतलब नहीं था। इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां करनी थी कि हमें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या सोचना नहीं चाहते? आप कहना क्या चाह रहे? यही कि आप जयनंदिनी के इस रिश्ते से खुश नहीं। कैसी माँ है आप? अपनी अपनी बेटी की खुशी में खुश नहीं है? हमारी दो बेटियां हैं महाराज, हम अपनी एक बेटी की खुशी के आगे दूसरी बेटी की उम्मीद की कुर्बानी दे रहे हैं। जय के लिए हम बहुत खुश हैं, पर जब भी मान्यता के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल बैठ जाता है। कोमल, आपकी बातों से ये लगता है कि आप सिर्फ मान्यता की मां है, जयनंदिनी की नहीं। नहीं चाहता उस पर किसी की नजर पड़े। तुम उसको उसको कहना तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करे। अगर मेरे बारे में कुछ पूछे तो कहना मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सच है कि वो मेरी बेटी है। उसकी हिफाजत करोगे ना? बोलो, उसको रखोगे ना अपने साथ? बोलो, बताओ, रखोगे क्या? उसका रख रहा है। Something.